Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Find the solution of d2i over dt square plus r upon l di over dt plus 1 upon lc lci is equal to 0, where r square c is equal to 4l and capital R c l are constants. Ye problem engineering ki hai, yani electronic engineering ya कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों से रिलेटेड हो सकती है प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक्स की. और इसमें जो आई यूज़ हो रहा है वो करंट के लिए है, हालांकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो टी है और डिपेंडेंट वेरिएबल आई है. बाकी आर एल सी आर सी एल के बारे में बता दिया, कांस्टेंट है, जबकि हम लोग जानते हैं किसी भी कंपोनेंट्स के लिए ये आर सी एल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. तो यहाँ पर आर एक्चुअल में रेसिस्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है एंड एल जो है वो इंडक्टेंस है. हालांकि हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, इनकी कुछ ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि आई यहाँ पर वेरिएबल है, टी वेरिएबल है, आई डिपेंडेंट वेरिएबल है और टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखेंगे और उसके बाद इसमें इसे शॉर्ट नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले लिख देंगे द गिवन differential equation is d2i over dt square plus capital R upon capital L di over dt plus 1 upon L भी capital में है, C भी capital में, I is equal to 0. यहाँ पर short notation हम यहाँ पर use कर सकते हैं. मान लेते हैं कि जो d है वो d over dt को denote कर रहा है, तो हमारा जो differential equation है वो इस तरीके से लिख सकते हैं. I देखें तीनों में टर्म में आ रहा है, इसे हम right hand side में common भी ले लेंगे और इसमें जो कि whole of square है तो इसे d square लिखा जाएगा, I को हमने बाहर ले लेंगे, plus capital R upon L यहाँ पर भी हम d over dt की जगह पर d लिख देंगे और plus 1 upon L c I को हमने right hand side में बाहर ले लिया, इधर 0 के d notation में इसको लिख दिया है. अब इस किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जो सॉल्व करते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल. कम्प्लीमेंट्री फंक्शन चूँकि यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है राइट हैंड साइड में जो वैल्यू उस पर डिपेंड करता है और यहाँ पर ये वैल्यू चूँकि ज़ीरो है तो इसलिए कम्प्लीमेंट्री पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू भी ज़ीरो के बराबर होगी. तो हमारा फोकस जो है यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर रहेगा. तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सिलरी इक्वेशन की ज़रूरत होती है. दी एक्सिलरी यानी हेल्पिंग जो इक्वेशन है, एक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड द एक्सिलरी इक्वेशन इज, तो जहाँ पर भी डी है वहाँ पर आप एम कर दीजिए, ये हमारी एक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी, 1 अपान एल सी इज इक्वल टू 0. और इसके फैक्टर अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो उमर खयाम या सिर धराचार या क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसे बोलते हैं उस फार्मूले का यूज़ करते हुए एम की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एम इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा. आपको मालूम है ये किस फार्मूले की बात कर रहे हैं हम लोग, इसको यहाँ पर हम यहाँ लिख भी देते हैं, जैसे कि वो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0. यहाँ पर एक्स वेरिएबल है तो एक्स इज इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे. बस हमारा एक्स की जगह पर एम है वेरिएबल और एम का कोएफिशिएंट ये बी है जो कि माइनस बी होता है आर अपॉन एल फार्मूले में, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स आर अपान एल का होल अब स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac. ए की एम स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है और सी ये राइट हैंड साइड में 1 अपान राइट हैंड साइड से पहले जो लिखा टर्म एल सी हो जाएगा अपान में 2 ए की वैल्यू 1 के इक्वल है वो लिख दी. अब एम की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे पहले हम और जो कंडीशन दे रखी उसका भी यहाँ पर यूज़ कर लेंगे. प्लस माइनस स्क्वायर रूट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आर का भी स्क्वायर हो जाएगा और एल का भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 टाइम्स हो जाएगा ये एल सी, इसको ऐसे लिख दें अपान में 2. ये जो कंडीशन दे रखी है आर स्क्वायर सी इज इक्वल टू 4 एल है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं ताकि पूरा इक्वेशन एल और सी में ही आ जाए, पूरे एम की वैल्यू जो है एम एल और सी में आ जाए. तो इक्वेशन को हमको दे रखा है
आर स्क्वायर सी इज़ इक्वल टू फोर टाइम्स एल दे रखा है, तो यहाँ से अगर आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो सी जो इनटू में डिवाइड करना पड़ेगा फोर एल अपान में सी, ये वैल्यू यहाँ पर हमें पुट करना होगी। तो एम की वैल्यू हो जाएगी एम इज़ इक्वल टू माइनस आर अपान एल पहले से चल रहा था प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और आर स्क्वायर की जगह वैल्यू रखेंगे हम फोर एल अपान में सी, और पहले से यहाँ पर एल स्क्वायर चल रहा है अपान में वो लिख देंगे, और माइनस का फोर अपान एल सी है और अपान में टू भी लिखा हुआ है। एल की एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो एम की वैल्यू बचेगी माइनस आर अपान एल प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ऊपर ये फोर बचा अपान में एल की भी एक पावर बचेगी और सी और माइनस फोर अपान एल सी, और ये दोनों एक जैसे हो गए तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी वैल्यू ये स्क्वायर रूट के अंदर ज़ीरो हो जाएगी। तो एम की वैल्यू हो जाएगी माइनस आर अपान एल प्लस माइनस ज़ीरो, और ये प्लस या माइनस कुछ भी करेंगे तो एम की वैल्यू हमको जो है वो एक ही वैल्यू मिलेगी, लेकिन रिपीट हो जाएगी, क्योंकि अगर हम इसको प्लस में लेते हैं तो उससे एक वैल्यू मिलेगी हमको, फिर हम माइनस में लेना चाहिए, लेकिन सॉल्व करेंगे तो वैल्यू वही मिलेगी, ये अपान में आ जाएगा माइनस आर अपान टू, और एल बी सी के साथ में आ जाएगा ऐसे यहाँ पर भी माइनस आर अपान टू एल, यानी दोनों वैल्यू एम की मिली और एक ही वैल्यू है वो यानी रिपीट हो रही हैं। तो ऐसे में हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका ये होता है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू एक वैल्यू के लिए एक कॉन्स्टेंट आता है यानी सी वन प्लस का सी टू। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल देख लीजिए जो कि टी है, तो यहाँ पर हमें टी का यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद e टू द पावर जो भी है m की वैल्यू उसको लिखेंगे माइनस फोर आर अपान टू एल हो जाएगा, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो t है तो उसका यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने फाइंड किया, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद यहाँ पर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू भी निकाल लेनी चाहिए, हालांकि ये एक कहना चाहिए कि फॉर्मेलिटी है क्योंकि इसकी वैल्यू तो ज़ीरो ही आएगी। मेथड दूसरे सवालों का ये होता है कि आई का जो कोफिशिएंट है जो डी का फंक्शन है उस पूरे को लिख देंगे, डी के अलावा तो आपको मालूम है कि ये आर भी कॉन्स्टेंट है एल भी कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए पूरी वैल्यू को लिखा और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है उसको यहाँ पर लिखा जाता है, चूँकि ये ज़ीरो है तो ये टोटल पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ज़ीरो के बराबर आ चुकी है। और अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दे रखा था उसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर जो था वो आई था, तो यहाँ पर इस डिपेंडेंट वेरिएबल को आई लिखेंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल और सॉरी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले हम लोग लिखते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करके लिख देंगे। तो यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हमें निकाल चुके थे पहले, तो उसको वहाँ से देख लेंगे, तो ऊपरी लिखी हुई हमारी ये वैल्यू उसको लिखेंगे सी वन प्लस सी टू इंटू टी और ई टू दी पावर माइनस आर अपान टू एल इंटू टी, और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ज़ीरो के बराबर आई थी वो लिख दिया, और इसको ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी उसका यहाँ पर हमको जनरल सॉल्यूशन मिल चुका है ई की पावर माइनस आर अपान टू एल इंटू टी, और ये जनरल सॉल्यूशन हमको मिल चुका है डिफरेंशियल इक्वेशन का। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वा आखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।